अरे माँ, यहाँ अकेली क्यों बैठी है? आज क्या किया आपने? खाना पीना ठीक से तो खा रही हो? आपकी महीने भर के शुगर की दवाई लाकर रखती है, खत्म होने से पहले मुझे बता दीजिएगा। माँ चुपचाप बैठी हो, कुछ बात हुई है? डॉक्टर राजीव अपनी माँ करुणा जी से कहते हैं तो करुणा जी बोली, नहीं बेटा कोई बात नहीं, खाना और दवाई सब समय पर लेती हो, तुम सब मेरा इतना ख्याल रखते हो, फिर भी तुम्हारे पापा की कमी खलती है। सब कुछ तो है इस घर में, फिर भी जाने क्यों मेरा एक जगह मन नहीं लगता है। मानो ये जीवन का आखिरी पड़ाव किसी जंग से कम नहीं है। फिर राजीव बोले, मैं अपनी जिस माँ को जानता हूँ वो किसी जंग से हारने वाली नहीं थी, वो तो एक साहसी योद्धा के रूप में मेरे समक्ष रहती थी, पर अब आप पूरे दिन घर में बैठी रहती है तो कहां से मन लगेगा। माँ बोली, क्या करूं, जब से तुम्हारे पापा इस दुनिया से गए मानो मेरी खुशियां भी उनके साथ ही चली गई, अब तो कुछ भी करने से पहले ही हिम्मत जवाब दे देती है। तो राजीव बोले, आपको कितनी बार बोला है थोड़ा बाहर निकला करो, सुबह शाम थोड़ा घूमने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, नीचे आपकी उम्र के कितने लोग मिल जाएंगे। माँ आप अकेलेपन से जो जंग लड़ रही है, जब आप दूसरे के दुखों को देखेंगी तब शायद आपको एहसास होगा कि जीवन का जंग कठिन है, परंतु अगर साहस रखे तो इसे जीता जा सकता है। ये सब तो आप मुझे समझाती थी, अब आपको किस चीज की चिंता होती है? फिर करुणा जी बोली, जीवन के इस आखिरी पड़ाव पर तुम लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, फिर भी जीवन में जो तुम्हारे पापा की एक जगह खाली हुई उनकी कमी हमेशा खलती है। मैं कहीं भी चली जाऊं पर कुछ दिन के बाद मेरा मन हमेशा भटकता है और बस उन्हें ही ढूंढता है। तभी करुणा जी की बहू हर्षिता आई और बोली, मम्मी वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आप अपने मन को कहीं और लगने ही नहीं देती है। जाने वाले की कमी तो खलती है, परंतु जब आप किसी और के दुख से मिलेंगी तब आपको अनुभव होगा कि जीवन में किसी के जाने के दुख से भी बड़ा और भी दुख होता है। तो करुणा जी बोली, मैं समझती हूँ बहू, नीचे भी जाती हूँ पर किसी से बात करने का मन नहीं करता है। मुझे याद आता है जब मैं उनके साथ यहाँ आती थी, हर किसी से मिलती थी और जब पार्क में बैठकर घंटों उनसे बातें किया करती थी, पर अब जब कोई भी मुझे देखता है वो मेरे अगल बगल भी देखता है कि अब तो ये अकेली है। फिर राजीव बोले, माँ आप हर रोज अगर इन्हीं बातों में उलझी रहेंगी तो कैसे इससे बाहर निकलेंगी? मानता हूँ पापा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, अगर आप दुखी रहेंगी तो वहां जाकर भी चैन से नहीं रह पाएंगे। मेरा काम आपको समझाना है, मैं भले ही डॉक्टर हूँ परंतु मन के भीतर जाकर आपकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता हूँ। अपने मन से तो जंग आपको लड़नी होगी, आगे आपकी मर्जी। इतना कहकर वह चले गए। अगले दिन करुणा जी की बहू ऑफिस से जल्दी आई तो करुणा जी बोली, अरे बहू आज तुम जल्दी आ गई, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है या फिर बच्चों ने यहां से फोन कर दिया? तो हर्षिता बोली, मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज मैं आपको नीचे ले जाऊंगी और सभी लोगों से मिलवा आऊंगी, सोसाइटी में बहुत सारे नए नए लोग आए हैं जिनके माता पिता भी उनके साथ यहाँ रहते हैं, आपको मिलकर उनसे अच्छा लगेगा। फिर वो उन्हें नीचे ले गई और थोड़ी देर बाद जब करुणा जी अच्छा महसूस कर रही थी तब हर्षिता वापस आ गई। धीरे धीरे हर शाम को वो नीचे उतरने लगी थी, वहीं मिसेज वर्मा भी बैठती थी। एक अन्य महिला जब उनसे पूछा, मिसेज वर्मा आपके घर की परेशानी खत्म हुई या अभी भी आपके बेटे बहू आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं? तो मिसेज वर्मा बोली, अब वो प्यार करे या बुरा व्यवहार करे ये जीवन की जंग तो लड़नी ही होगी, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए मुझे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर रखनी ही होगी। फिर करुणा जी बोली, ऐसा क्यों आप इस उम्र में भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट क्यों बनाकर रखती है, और क्या जीवन की परेशानियों से हमें जंग लड़ना ही पड़ेगा? अब मिसेस वर्मा मुस्कुराकर बोली, मेरे पति को लकवा मार गया है पर देखने और समझने की शक्ति
उनकी अभी भी बाकी है। मैं नहीं चाहती मेरे चेहरे के दुख को देखे और शांति से वो इस लोक से जा ना सके। कितने लोग होते हैं जिनके बेटे बहू उनकी सेवा तो करते हैं, फिर भी माँ बाप दुखी ही रहते हैं, तब बेटे बहू को भी कष्ट होता है। मेरे घर में शांति नहीं है, फिर भी मैं मुस्कुराकर खुद को और अपने बीमार पति को हौसला देती हूँ, क्योंकि जितनी जिंदगी बची है उसे हमें ही जीना है, तो फिर रो के जीने से क्या फायदा। फिर करुणा जी बोली, क्या इससे आपके मन को तकलीफ नहीं होती होगी? क्या झूठी हंसी चेहरे पर सज कर सच्ची खुशी मिल पाती है? क्या उनके चले जाने के बाद आपको उनकी कमी नहीं खलेगी? क्योंकि इस बुढ़ापे में साथी का होना एक सहारा होता है। बच्चे तो फिर भी सेवा करते हैं, पर उनकी कमी हर वक्त खलती है। तो मिसेस वर्मा बोली, करुणा जी, मैं चाहती हूँ जब मेरे पति दुनिया से जाए तो मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख कर जाए। जीवन में कष्ट लिखा है, वो मनुष्य को खुद ही सहना पड़ता है। बच्चे आज ना समझ है, पर जब वो रोज मेरे इस जज्बे को देखेंगे तब उन्हें एहसास हो जाएगा कि अपना कल वो खुद तैयार कर रहे। ये भी जीवन का एक अध्याय है, क्योंकि किसी के चले जाने से जीवन खत्म नहीं होता। बची हुई जिंदगी हमें खुद ही जीनी पड़ती है, तभी तो लोग कहते हैं कि जिंदगी एक जंग है। फिर मिसेस वर्मा की बातों ने करुणा जी पर बहुत प्रभाव डाला। कुछ दिन बाद राजीव अस्पताल से लौट कर आए और बोले, क्या बात है माँ, खाना पीना खाया, दवाई ले रही हो? तो करुणा जी मुस्कुरा कर बोली, सब ले रही हूँ। और ये क्या बच्चों की तरह मुझे हर रोज एक ही सवाल पूछते हो, कोई नया सवाल पूछो। माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट देख कर राजीव को बहुत खुशी हुई। वो बोले, क्या बात है, आप बदली बदली नजर आ रही है, पापा की कोई पुरानी बात याद आ गई क्या? क्योंकि आप जब भी पापा को छेड़ती थी तभी आप मुस्कुराती थी। फिर करुणा जी बोली, उनकी बात याद आ गई, वो कहते थे मेरे जाने के बाद भी तुम हमेशा मुस्कुराती रहना, यहाँ तुम सब मेरी बहुत फिक्र करते हो, बस उनकी कमी खलती है, पर मैंने उनकी यादों के साथ अब जीना सीख लिया है। मैं ये समझ गई हूँ कि वो लौट कर नहीं आएंगे, और इस गम में कहीं मैं उनकी यादों से दूर ना हो जाऊं। जानती हूँ उम्र का आखिरी पड़ाव किसी जंग से कम नहीं होता, पर जो बची हुई जिंदगी है उसे एक जंग समझ कर नहीं, बल्कि अपने बच्चों के संग नई यादें बनाकर जीना चाहती हूँ। माँ के इस नए हौसले को देखकर बेटा बहुत खुश हुआ। उसकी पुरानी साहसी और हौसलों से भरी उसकी पुरानी माँ, जो जिंदगी के मुश्किल दौर में भी जीना जानती थी, वो वापस लौट आई है। दोस्तों, जिस तरह से हम कभी टूटने लगते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग जिंदगी की जंग को लड़ने का अपना अनुभव हमें बताते हैं, उसी तरह उम्र के आखिरी पड़ाव आने के बाद जब माता पिता हारने लगते हैं तो हम बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि उनमें जीने का हौसला भरे और जीवन के आखिरी पड़ाव की जंग में हम उनके साथ खड़े रहे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।